बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 1 का पार्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो लाजमी देख लीजिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना, ठीक है? तो आज पार्ट 2 कर लेते हैं। पहले क्विक रिव्यू कर लें। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया रिलायबल डिजिट्स होते हैं, ठीक है भाई? रिलायबल, जिन पे आप भरोसा है, जिस पे आपको रिलायबल डिजिट्स, बल्कि मैं इसको ये कहूँगा कि वो नंबर्स जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं। क्लियरली बात बता रहा हूँ, टू द पॉइंट। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब वो नंबर जो आपके लिए अहम हैं। तो अब ये इतना लंबा जुमला तो नहीं लिख सकता, याद कर लीजिएगा भाई। रिलायबल डिजिट्स, वो नंबर जो आपके लिए अहम है। कल मैंने आपको वो शुगर वाली एग्जांपल देके बताया था, शुगर ख़रीदने कोई जाता है तो 2 kg 1 gram 2 gram शुगर कोई इशू नहीं है। अगर 1 gram 2 gram आगे पीछे हो जाए शुगर तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, शॉपकीपर के लिए ना, ख़रीदने वाले के लिए ना बेचने वाले के लिए। लेकिन यही 1 gram 2 gram क्या मिलीग्राम में भी आगे पीछे डिफरेंस हो जाता है। ज्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप गोल्ड की रिंग बनवाने जाते हैं वहाँ तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मिलीग्राम, ग्राम, बोलेगा ग्राम, 1 gram ज़्यादा हो गया, क्या हो गया 1 gram ज़्यादा हो गया, 1 gram वो मिलीग्राम के ऊपर लड़ जाएगा आपसे। पता है आपके लिए एम नहीं होंगे, मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये, ठीक हो गया भाई? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर्स हैं जो हमारे, जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। टू द पॉइंट ये है, ठीक है? अब आगे चलते हैं इसकी। फिर मैंने पार्ट 1 में काफ़ी तफसील बताई है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वीडियो बंद कर दें, वो पार्ट 1 देखें पहले जाके, नहीं तो फिर आधी बात समझ आएगी, आधी नहीं होगी, फिर बुरे बुरे मुँह बनाएंगे, बुरा भला कहेंगे सर ने समझाया नहीं सही तरह। भाई सर कहाँ से समझाएंगे, आधा आपने वहाँ छोड़ दिया, आधा आप देख रहे हैं। इतना बड़ा लेक्चर है एक, मैं तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो बहरहाल क्विक रिव्यू कर दे। तो हमने होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बताया था। होल नंबर्स दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया था, और डेसिमल नंबर्स इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। मैंने रूल वूल कोई नहीं बताए थे कि ये कर लें तो यू कर लें, लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट और ब्ला ब्ला, नहीं कुछ भी नहीं। मैंने बस ये बातें बताई थी, इनको जहन में रख लें। होल नंबर्स दो तरह के हैं, वो जिनके अंदर कोई ज़ीरो वीरो नहीं है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर, 2, 4, 5, 6, 1, 5, 6, इनमें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे कोई ज़ीरो नहीं है। 2000 को ले लें अगर आप, 200 को ले लें या 20 को ले लें, इनकी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हैं। 3 0 2 0 1 0, क्या रूल है? अब इसके पार्ट 1 में तफसील से बात हुई है, बहरहाल बता देता हूँ। ये सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। पहली बात, ये होल नंबर्स हैं, डेसिमल वाले नहीं हैं, पॉइंट वाले नहीं हैं, ठीक है? ये सारे होल नंबर्स हैं। दो तरह के होल नंबर्स हो गए, जिनके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर ज़ीरोज़ हैं और जिनके ज़ीरो नहीं हैं। तो जिनके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर ज़ीरो नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें एक है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ये 3 0, ख़त्म कहानी इनकी, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है ये। ये 2 भी 0, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, एक नहीं है। डेसिमल की तरफ चलें तो डेसिमल में मैंने कहा था, डेसिमल नंबर वो जो पॉइंट वाले होते हैं। नंबर 1 को अपनी बेस बनाइए, नंबर 1 से आगे जाएं, नंबर 1 से पीछे आएं। तो नंबर 1 से अगर पीछे आएँ, मैं पूछूं 0.5 क्या है, क्या ये एक नंबर है? नहीं, आप बोलेंगे एक नंबर नहीं, ये आधा नंबर है, ठीक है? और अगर मैं बोलूँ 1.5 क्या है तो आप कहेंगे ये डेढ़ नंबर है, बोलेंगे। तो यहाँ पर बात साबित हो गई कि शुरू में जो 0.0467 0.00129, ये सारे नंबर्स जिनके शुरू में ज़ीरो लग रहा है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये 1 नहीं, 1 तो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, इस साइड पे कुछ है, उस साइड पे कुछ है, ठीक है? जैसे इंडिया, ओ सॉरी इंडिया नहीं, सॉरी हमारे इंडिया से भी बहुत बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, तो वो मकसद नहीं था बताने का। बहरहाल चाइना को ले लेते हैं, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर है, ठीक है? ये चाइना है, ठीक है? एहतियात अच्छी चीज़ होती है ना भाई, वो बच्चे इंडिया से कहीं ये ना सोचें कि नहीं नहीं ये हम आप पढ़ रहे हैं, यहाँ फॉर गॉड से कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं करनी ना होनी, ठीक है? खुश रहें, पढ़ें, भले कहीं से भी हों, इंडिया से भी हों, पाकिस्तान से भी हों,
बच्चे सब जगह के बच्चे ही होते हैं यार, बस हमारा बच्चों से वास्ता है, चाहे इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, कहीं के भी हो, बच्चे अपने बस पढ़ें, ठीक है। तो बहरहाल चाइना फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ होती है ना, चाइना और ये पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनी हुई है उस साइड पे चाइना, इस साइड पे पाकिस्तान, तो ये वन को ले लीजिए, वन बॉर्डर है। इसके पीछे की तरफ आएंगे, वन से छोटे नंबर जो हैं ये सब वन से छोटे नंबर हैं, वन से छोटे नंबर हैं। इसके बाद 1.5, 2.670 और उसके बाद 10.39, ये सब के सब डेसिमल नंबर्स तो हैं लेकिन ये सब वन से बड़े हैं। देखें 1.5, 2.670, 10.39, ये सब के सब वन से बड़े हैं। ये रहा वन, ये बॉर्डर है हमारा, समझ आ गई बात। तो मैंने ये बताया था यहाँ पर कि इन डेसिमल्स नंबर्स को और इन डेसिमल नंबर को अलग अलग ट्रीट करना है आपने। ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनकी लेफ्ट हैंड साइड वाले ज़ीरोस काउंट नहीं करने जी, ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये होंगे। एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये 129 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर ये हो जाए 2.000, अब क्या करें 2.000, अब तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, आप फौरन बोलेंगे ये वाले ज़ीरो ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। नहीं भाई, ये होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स में वन से ज़्यादा, वन से कम नहीं। यहाँ पर 0.00 ये भी ज़ीरो हैं, इसीलिए मैंने कहा है वन से कम का रूल अलग है, वन से ज़्यादा का रूल अलग है। तो वन से कम तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वन से जो ज़्यादा नंबर हैं, बड़े नंबर हैं, 1.5 ये सब बड़े हैं, ये 2.00 ये वन से बड़ा है, ये भी वन से बड़े हैं, ये भी वन से बड़े हैं, ये भी वन से बड़े हैं, डेसिमल सारे। तो इसमें जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होंगे वो काउंटेबल हैं, वो सिग्निफिकेंट हैं। तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट हुआ, ये 0 भी, ये 0 भी, ये 0 भी। ये क्विक मैंने समझाया है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हैं वो पार्ट 1 पे चले जाएं, पूरी तफसील से मैंने समझाया है, ठीक है भाई। ये बात हो गई, अब आगे चलते हैं इसमें, और क्या बात है ये मिटा देता हूँ। अब जब नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स में हमारे पास एक और चीज़ भी देख लें क्या है। आप फर्स्ट ईयर वाले एक बात याद रख लीजिए मेरी, अपने जहन को जो है ना वो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। अभी आप अभी नहीं करेंगे बाद में फंस जाएंगे, फर्स्ट ईयर से ही अपना माइंड बना लें एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंट्री टेस्ट में अगर वो आपको ये दे देता है 1/2, बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ना तो कोई डेसिमल नंबर है ना होल नंबर है ये दिया हुआ है, अब क्या करेंगे। अगर आपको वो ये दे देता है 2.00×10^3, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लो अब ये तो हमने किए ही नहीं, ना हमने ये किया ना हमने ये किया, हमने तो वो देखा होल नंबर और डेसिमल नंबर्स, ये तो ना होल नंबर है ना डेसिमल नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ये फ्रैक्शन में है, अब क्या करें। बड़ा आसान सा काम है भाई, वेरी इजी। ये जो फ्रैक्शन में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, खुद कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0. क्या हो गया, ठीक है 0.5 के बराबर है, 0.5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे पता नहीं चल रहा था, ऐसे तो पता चल रहा है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में गड़बड़ हो रही है, तो साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कर लें भाई, बड़ा आसान है। पॉइंट इस जगह पर है, कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ अगर 10^3 प्लस का है तो 10^-3 ले आइए, कैंसिल हो जाएगा। अब -3 कहाँ से लेके आए इस +3 की पावर को कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन आनी चाहिए आपको कि इस पॉइंट को जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2000। ख़त्म हो गई कहानी, पॉइंट अब यहाँ पर है लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 digit, सॉरी एक ज़्यादा बन गया, एक ज़्यादा बन गया। अब क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे होता है, अब क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक बस। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। बहरहाल ये फर्स्ट ईयर की सिंटेक्स बुक बोर्ड है ये पढ़ी हुई,
इसकी आखिर में एक्सरसाइज भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ इस साइंटिफिक नोटेशन के ही हवाले से। इसको मिटा दूँ साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। मैंने शुरू में एक एग्जांपल देके आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर हैं जो जिनको आप अहमियत देते हैं। फिर मैंने वो शॉपकीपर जो चीनी बेच रहा था उसकी मिसाल दी, और मैंने आपको ज्यूलर की मिसाल दे के समझाया था, ठीक है। अब आप मेजरमेंट करते हैं, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये हो गया एक, ये दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर, पांचवा सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये स्केल लिया हुआ है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इस पर है। अब जब आप मेजरमेंट करेंगे फाइनली, तो आपके पास जो है वो जवाब आएगा क्या, मिसाल के तौर पर 500 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर कर लो, 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर आया है तो आप बोलेंगे ये 50 सेंटीमीटर है तो साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ीरो तो गया, हाँ ये ज़ीरो तो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5। आप तो लड़ जाएंगे, आप बोलेंगे हैं इतनी मुश्किल से मेजर किया है, 50 सेंटीमीटर निकला है भाई, और साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ीरो को नेगलेक्ट कर दें, ये तो होल नंबर है ना 50, क्या करेंगे। अब यहाँ ज़रूरत है आपको साइंटिफिक नोटेशन, बताता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में हम यही करते हैं। एक और मिसाल दे के समझाता हूँ इसी को। 5000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, होल नंबर है ये, एक है, ये चार ज़ीरो नेगलेक्ट ये हैं ही नहीं। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि ये तीन भी सिग्निफिकेंट हैं मेरे लिए अहम है, भाई वो जो ज्यूलर बोल रहा था कि ये मेरे लिए अहम है, तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो क्या करेंगे आप, फिर आप इसको ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इस पॉइंट को जो यहाँ छुपा हुआ है इसको यहाँ से ले आएंगे, ये हो जाएगा 5.000 × 10³। ये कौन सा नंबर बन गया आपका, साइंटिफिक नोटेशन बन गया। याद रख लीजिए साइंटिफिक नोटेशन में ये जो कट्टम का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, इससे पहले जितने नंबर होते हैं, जितने नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं सब के सब। अगर आप कहेंगे 0.100 × 10³ समथिंग होगा, अब इसका क्या करें भाई, ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया और ये तो साइंटिफिक नोटेशन है। सर ने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर जितने नंबर होंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप ये भी तो देखिए आपने पॉइंट कहाँ रखा हुआ है भाई। आप इस ज़ीरो को भी साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे, कहेंगे ना, आप बोलेंगे सर ने कहा था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये भी होगा, ये ज़ीरो भी ऐड हो कर लेंगे आप, ये जो ज़ीरो है शुरू में। हालांकि नॉर्मली तो आप ऐसा नहीं करते डेसिमल नंबर्स में, इसको साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते, इनको लेते हैं 100 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप पॉइंट की पोजीशन तो देखें, पॉइंट हमेशा दो डिजिट्स के दरमियान होता है, इसको आप यहाँ लेके आए, जब ये हो जाएगा तो 1.00 हो जाएगा, 10⁻¹ लेफ्ट से राइट गया है, ये 4 हो जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन गए आप, 3, क्योंकि पॉइंट को आपने सही जगह पर रख दिया दो डिजिट्स के दरमियान। बात समझ में आई, तो आज मैं थोड़ा तेज़ लेक्चर दे रहा हूँ तो स्लो कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है, रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का मसला है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप बताना चाहते हैं, ऑर्डिनरी नंबर में नहीं बता सकते कि ये तीन आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, याद रख लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में आप बता सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में सारे नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर तो पॉइंट सही जगह पर मौजूद है, तो ऐसे ना हो पॉइंट 0.100 नहीं, दो डिजिट के दरमियान हो, जैसे कि
ये अब सही है, अब जितने गए हैं काउंट कर लें, अब यहाँ पर ये नंबर यही है, सेम है दोनों, ये ऑर्डिनरी पोजीशन में लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगे। अगर आप काउंट करवाना चाहते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए, ठीक है। इसको 5.000 को आप यूँ भी लिख सकते हैं, 5×10³। ये भी समझ लीजिए, तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये और ये दोनों बराबर हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बात समझ में आ रही है बात? आप थोड़ा और आगे बताऊं, अगर आप 5000 में से चाहते हैं कि ये एक नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं इसको अहमियत नहीं देता, ये एक ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 2 0 सिग्निफिकेंट हैं, तो वेरी सिंपल, आप परेशान नहीं हो, आप इस ज़ीरो को हटा दें बस यहाँ से, 5.00 हो जाएगा, 5.00 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले क्या था ये 5.000×10³। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि इन 3 ज़ीरोस में से ये पहला वाला जो है ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये 2 हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको ख़त्म कर दीजिए बस, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बन गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब भी ये और ये मैथमेटिकली बराबर ही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों ज़ीरो जो हैं मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 1 ज़ीरो है, तो फिर 1 ज़ीरो और कम कर दीजिए भाई बस। और अगर आप चाहते हैं कि तीनों ही मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं हैं, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो होल नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होते, या साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखना है आपने तो इस तरह से लिख लीजिए, 5×10³। ये और ये एक बराबर है, यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर बनता है ऑटोमेटिकली, यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर बनता है ऑटोमेटिकली। समझ में आ रही है बात? अगर कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं हो रही आपको, अभी भी डिस्टर्बेंस है, तो एक बात मान लीजिए कि आपको पॉइंट की मूवमेंट के रूल नहीं पता जी, तो उसकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। पॉइंट लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो इसका क्या असर पड़ता है, ऑर्डिनरी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, आपको ये सीखना चाहिए। पॉइंट राइट से लेफ्ट जाता है तो कौन सी पावर आती है, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, लेफ्ट से राइट अगर पॉइंट जाएगा तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये था साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नंबर्स के अंदर हमें बताना कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। अब ज़रा ये आपकी एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये मिटा देता हूँ, ये पार्ट 2 भी है सिग्निफिकेंट फिगर्स का और ये फाइनल भी है। आज सोच रहा था कि अगला टॉपिक भी साथ ही कवर कर दूंगा, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है भाई, देख लें आपके सामने, ये लास्ट में ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो बहुत कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा थका देता है चैप्टर नंबर 1, वैसे कोई बात नहीं। इसमें क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, ये देख लीजिए पेज नंबर 27 पे, आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक पेज नंबर 27 पे, ये रहा प्रोग्रेस टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 15.01। जवाब वैसे नीचे लिखे हुए हैं, मैं बता दूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई, कैसे चेक करेंगे, डेसिमल नंबर है, बिल्कुल है, डेसिमल नंबर वो कौन सा वाला है, 1 से छोटा वाला है, 1 से बड़ा वाला है, 1 से बड़ा वाला, ये देखें 15 है, आप 0 थोड़ी है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बी को ले लीजिए, बी में हमारे पास है 7000, 3 होल नंबर्स हैं, होल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है ये, 7000, 3 ज़ीरोस छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर 7 वाला। सी की तरफ चलें, 3.200 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई, डेसिमल नंबर है,
वन से बड़ा है, थ्री है, 3.200, सब के सब सिग्निफिकेंट। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो बोलते हैं इसके भी तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हैं। वो भाई ये डेसिमल नंबर भी तो है, ये भी तो देखें, इसके राइट हैंड साइड पे जो ज़ीरो हैं ये पूरा होल नंबर भी तो है, ये फ़र्क तो रखें। फिर आखिरी रह जाता है डी, ये भी डेसिमल नंबर है, 0.004। अब ये कौन सा डेसिमल नंबर है? 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं हैं, सिर्फ एक ही है, ये 4, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया भाई, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल हो चुका है। आज अगला टॉपिक जो आपके बुक का है वो है, मेरे पास तो बुक ही फटी पड़ी है भाई, लॉगरिदम वाला भी है, राउंडिंग ऑफ वाला भी है, राउंडिंग ऑफ डेटा, हाँ राउंडिंग ऑफ डेटा का है। तो राउंडिंग ऑफ डेटा इंशाल्लाह हमारा लेक्चर 2 होगा, डेटा को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, क्या रूल हैं उसके, वो हम अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट्स में मेंशन करें, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैंने दिया हुआ भी है पिछली वीडियो में, उससे पहले भी दिया हुआ, CSS फॉर किड्स वाली वीडियो के अंदर भी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, तो मुझे मैसेज करें, पिक बना के भेजें, सर समझ में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। पढ़ें बस, दिल लगा के पढ़ें, कोई टेंशन है वो मुझे दे दें, ठीक है। अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।